यहाँ शिक्षा से तात्पर्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है, जिसमें देश एवं दुनिया की जानकारी और समझ शामिल है, तार्किक चिंतन शामिल है, समालोचनात्मक चिंतन कर पाए ये भी शामिल है, बच्चे में अच्छे मूल्यों का विकास हो पाए ये भी शामिल है, और सीखे ज्ञान एवं मूल्य का उपयोग करते हुए ठीक से निर्णय ले पाए, ये सभी चीजें एक अच्छी शिक्षा के आयाम है। ये विषय सुनिया पढ़कर एक बार तुम्हारे मन में ये भी आता होगा या आया होगा कि इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उसके अभिभावक की है, स्कूल की है, सरकार की है, तो हर कोई व्यक्ति उसमें क्या मदद कर सकता है। और इसको देखें कि एक बच्चा समाज में जब आता है, किसी राष्ट्र का नागरिक होता है, हम भी किसी राष्ट्र के नागरिक होते हैं, किसी गांव के नागरिक होते हैं, शहर के नागरिक होते हैं, तो हमारे एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारा क्रम और व्यवहार इस तरह का हो कि हमारा गांव, शहर, राष्ट्र मजबूत बने। आज के इस वैश्वीकरण के दौर में एक राष्ट्र तभी मजबूत और समृद्ध हो सकता है जब उसका हर नागरिक शिक्षित हो, समझदार हो, हर तरह के ज्ञान से अपडेट हो, समृद्ध हो। अतः हर नागरिक जब शिक्षित होगा, शिक्षित हो, इसके लिए उस राष्ट्र के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्वतः आ जाती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति चाहता है हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, खुशहाल बने, और खुशहाल बनने के लिए एक अच्छा समझदार नागरिक होना जरूरी है, और समझदार नागरिक होने के लिए उसको अच्छी शिक्षा का होना, अच्छी शिक्षा का पाना बेहद ही जरूरी है। अतः अगर इस दृष्टि से देखें तो एक हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि उस देश का हर नागरिक अच्छे से पढ़े लिखे, उसमें उसका योगदान रहे, और वो जितना अच्छा कर सकता है उतना अच्छा प्रयास, हर नागरिक समझदार बने या शिक्षित बने उसके लिए प्रयास करे। दूसरी तरफ देखें तो हर नागरिक किसी तरह किसी संस्था से जुड़ा रहता है, वो संस्था बाजार की हो, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उस दृष्टि से भी देखें तो ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति के कंधों पर आ रही होती है। आज हम इस सेमिनार के माध्यम से इस विचार के कि हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले और उसके हर नागरिक की किस तरह से जिम्मेदारी है, इसके विविध आयामों का प्रयास कर रहे होंगे। व्याख्यान पूरा जो जिस तरह से आगे बढ़ेगा उसके मुख्य मुख्य बिंदु इस तरह से हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा की औपचारिक शुरुआत कब से हुई, भारत मतलब जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद किस तरह से शिक्षण प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई, किस तरह से उसमें नए नए आयाम जुड़ते गए, किस तरह से इसके ऊपर व्याख्या होती गई, और कैसे आज तक का आतंकी यात्रा पूरी कर पाया, शिक्षा व्यवस्था का व्यवस्थित विकास क्रम किस तरह से रहा, उस पर भी इस व्याख्यान के दौरान सर ये कुछ साथियों के माइक स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का क्रमिक विकास किस तरह से हुआ, शिक्षा के स्तर, शिक्षण प्रक्रियाओं में, अप्रोच में किस किस तरह से बदलाव आया, पहले शिक्षक सेंटर्ड अप्रोच थी, बाद में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमारी शिक्षण प्रक्रियाओं में आई, शिक्षा को लेकर सरकार के स्तर पर किस तरह से विभिन्न नीतियां आई और उनका हमारे शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से सुधार हुआ, किस तरह से मदद मिली, सरकार के साल में शिक्षा की तरफ झुकाव किस किस तरह से रहा, और उसके तहत सरकार की ओर से किस किस तरह के प्रयास किए गए, सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो इसमें किस तरह की बाधाएं हैं, किस तरह की चुनौतियां रही है, उन चुनौतियों को किस तरह से पार कर पाए, किस तरह से उनको दूर कर पाए, किस तरह से प्रयास रहे, वे सब चीजें हमारे जो मुख्य वक्ता विचार रखेंगे उसमें ये चीजें आ रही होंगी। शिक्षा के सार्वजनिकरण में सरकार की भूमिका, शिक्षा के सार्वजनिकरण में समाज का योगदान, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रही है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन जब तक समाज का हर व्यक्ति ये नहीं चाहेगा या हर व्यक्ति अपना योगदान नहीं देगा तब तक ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसको हासिल करना
बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले पहला चैलेंज तो यही था कि बहुत बड़ा देश है, देश की आर्थिक स्थिति इतनी समृद्ध भी नहीं थी, क्योंकि शिक्षा में बहुत खर्चा होता है, तो हर बच्चा स्कूल में इनरोल्ड हो, नामांकित हो, फिर उसके बाद उसका ठहराव हो और उसके बाद उसको अच्छी शिक्षा मिले और मूलभूत सुविधाएं भी स्कूल में उपलब्ध हो। ये कई इस तरह की चुनौतियां हैं जिनको दूर करने में सरकार लग रही है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है। वैश्वीकरण के दौर में शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस तरह से हो रहा है और ये इस वैश्वीकरण के दौर में किस तरह से एक अच्छा नागरिक बने, ताकि इस वैश्वीकरण के दौर में खुद को दूसरों से कम्पीट करके एक अपना जीवन अच्छे से चला सके, इसके लिए किस तरह का नागरिक तैयार करें और किस तरह के संसाधन जुटाने पड़ेंगे, किस तरह की शिक्षण प्रक्रियाएं चलानी होगी, ये तमाम चीज़ें सोचने का विषय हैं और उसको ध्यान में रखते हुए समय समय पर शिक्षा नीतियाँ बनती है, शिक्षा क्रम बनते हैं, पाठ्य पुस्तकें बदलती है और ये संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, शिक्षण प्रक्रियाएं बदल रही होती है, कई सारी प्रक्रियाएं उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही होती है। ये सब चीजें आज के इस व्याख्यान में आप सबको दिख रही होंगी। इसी के साथ मैं आगे मुख्य वक्ता है श्रीमान राकेश राणा जी, उनको देता हूँ। राकेश राणा जी एमएम कॉलेज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में समाजशास्त्र विषय का अध्यापन करवा रहे हैं और ये समय समय पर कई सारे पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख भी देते हैं, प्रकाशित भी होते हैं। देश भर में विविध विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा संगठनों एवं संस्थाओं के द्वारा जो व्याख्यान दिलवाए जाते हैं, दे रहे होते हैं, उनमें इनका योगदान होता है, ये भी उनमें व्याख्यान देते हैं। और हमारे हालांकि राकेश जी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे अनुरोध पर राकेश जी हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं और आप लोगों का प्यार एवं हमारा अनुरोध, इनको जब भी हम इनसे आग्रह करते हैं हमारे साथ आने को ये मजबूर हो रहे होते हैं और हमको समय दे रहे होते हैं। तो हमने अभी राकेश जी से आग्रह किया था और इनका जो व्यस्ततम प्रोग्राम था उसमें से समय निकाल कर ही आज हमारे साथ आ रहे हैं। ये पूरी चर्चा वैसे समय हमने 2 घंटे का रखा है, लेकिन ऐसा भी नहीं अगर हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी तो उससे पहले भी हम इसका समापन कर सकते हैं, लेकिन राकेश जी लगभग 50-60 मिनट अपनी बात रखेंगे, फिर सवाल जवाब करेंगे, जिन भी साथी को अपने भी विचार रखने उनको भी समय देंगे और इस प्रकार आज का पूरा ये सेमिनार व्याख्यान चल रहा होगा। तो इसी के साथ मैं सम्मानीय मुख्य वक्ता श्रीमान राकेश राणा जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी बात शुरू करें। सभी को नमस्कार, मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? हाँ आ रही है सर, आ रही है। जी जी जी, सभी साथियों को नमस्कार। अधिकतर साथी पुराने मेरे जाने पहचाने हैं, तमाम दोस्तियां रहती हैं, उनमें लीजिए माध्यम से आप सबसे मिलना जुलना रहता है। आप सबका बहुत आभार, देविंदर जोशी जी, कैलाश गुप्ता जी, कन्हैया जी और जितने साथी जितनों के मैं चेहरे देख पा रहा हूँ, वो सब साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आज के बहुत साधारण विषय का चुनाव करने के लिए और सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के इस मुद्दे पर वार्ता रखने के लिए आप सबको आभार। मैं टोंक राजस्थान के शिक्षा विभाग और उनके तमाम अधिकारियों का आभारी होने के साथ साथ ऑनलाइन जुड़े तमाम शिक्षक साथी, प्राचार्य साथी और विद्वान मैं आपके साथ शिक्षा हम सबकी जिम्मेदारी जैसे विषय पर एक बात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं और आपसे लगता है शायद मुरली जी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि एक ही वक्ता को बार बार सुनवाना आप लोगों को बोरिंग करने जैसा है। वो राकेश जी को दिल्ली से आप लोगों को बार बार सुनवाते हैं, तो कहीं आपसे नाराज तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
लेकिन मुझे आपके साथ बातचीत करके और आपके विषयों पर कुछ सोचने पढ़ने का मौका मिलता है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। जहाँ तक इस विषय की बात है कि सबके लिए शिक्षा और हम सब की जिम्मेदारी, चाहे उसमें समाज है या सरकार है, ये कैसे संभव हो, क्योंकि ये संकल्प देश की आज़ादी के पहले दिन से हमारी सरकारें दोहरा रही हैं। और अब तो देश क्या दुनिया के बीच ये बहस का विषय है कि कैसे दुनिया में सब साक्षर हों, कैसे सबका शिक्षा स्वास्थ्य सुनिश्चित हो, क्योंकि दुनिया ने अपने डेवलपमेंट का जब मूल्यांकन किया और यूएनओ जैसे बड़े संस्थानों ने बैठकर दुनिया के और तमाम देश के विकास के जो मॉडल देखने समझने की कोशिश की, तो उसमें ये पता चला कि जब तक हम अपनी कुछ बेसिक चीजें नहीं हासिल कर लेंगे तब तक विकास संभव ही नहीं है, या जो विकास हो रहा है तो उस विकास का कोई मायने नहीं है। इसलिए 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो एमडीजीज के नाम से, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन्हें 2015 में उन्हें बदलना पड़ा, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम पर दुनिया ने विकास बाजार के माध्यम से तेज तो किया, लेकिन पर्यावरण जैसे मुद्दे, सामाजिक समरसता जैसे मुद्दे, समाज में समानता, एकता और सद्भाव जैसे मुद्दे आगे बढ़ने और सुलटने के बजाय और उलझ गए। इसलिए 2015 में जब आत्मावलोकन हुआ और ये चिंता जाहिर की कि इस तरह के डेवलपमेंट से हम करेंगे क्या, हमारे बहुत सारे देश जिन्हें हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं या विकासशील समाज कहते हैं, सुविधाएं नहीं है, आधारभूत स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, लोग अभी तक साक्षर होने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। तो इन सारी चिंताओं को केंद्र में रखते हुए एमडीजीज को बदलकर एसडीजीज में कन्वर्ट किया गया। एसडीजीज में क्या फर्क आया, एमडीजी जिन्हें हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कह रहे थे, आप सब शिक्षक साथी है वो सब डिटेल जानते हैं, ज्यादा उसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो चौथा गोल है जो सबके लिए शिक्षा निर्धारित है, जब तक दुनिया में सब होंगे, सब स्वस्थ नहीं होंगे, सबके लिए हम बेसिक स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल जैसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे, तो क्या इसका मायने है, हम कैसी दुनिया बना रहे हैं। और अगर कोई देश, कोई समाज या दुनिया सबको शिक्षित भी नहीं कर सकता, सबको पढ़ा लिखा भी नहीं सकता, तो वो कैसे डेवलप कंट्री या एक सभ्य दुनिया का निर्माण करेंगे। तो इन सारी चिंताओं की तरफ जब देखा गया और सुना गया, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, या शिक्षा के सार्वजनिकरण और शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसी अवधारणाएं बौद्धिक लोगों के बीच उभरी और लगातार उन्होंने उन पर चिंतन मंथन किया और देश दुनिया की सरकारों पर ये दबाव बनाए, देश दुनिया की सरकारों पर ये दबाव जब बने यूएनओ के द्वारा या और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है दुनिया की, या जो इन सब काम के लिए ऐड देते हैं, मदद करते हैं, उन्होंने शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वजनिकरण जैसी बातें उठाई और सब सरकारों को उनके बजट में विशेष प्रावधान करने के दबाव बनाए गए, तब सरकारों ने इस तरफ मुस्तैदी सोचा
क्योंकि भारत का सीन जब हम देखते हैं तो आजादी से पहले तो भारत में एक औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हुई आधुनिक भारत में, तो वहां टुकड़ों व्यवस्था का विकास हुआ। इस व्यवस्था का विकास टुकड़ों में इसलिए कह रहा हूं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर आधारित थी और उसमें गुरुकुलों के माध्यम से हम अपने समाज की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते थे। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी और जो पुराने साक्ष्य गुरुकुलों के मिलते हैं कि भारत का कोई भी ऐसा गांव अछूता नहीं था जहां तक गुरुकुल नहीं थे। हाँ, कुछ विशिष्ट गुरुकुल जिनके बड़े नाम थे जो आज भी हैं, कुछ बड़े विश्वविद्यालय हैं, कुछ एवरेज हैं, लेकिन सब जगह है। इसी तरह गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा की व्यवस्था गांव गांव तक मौजूद थी, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था को अचानक से झटका तब लगा तब अंग्रेजों ने एक फॉर्मल एजुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस की। और औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था जब 1813 में अंग्रेजों ने शुरू की और 1813 के अधिनियम के साथ ये तय किया कि हम अपने ढंग से एक मॉडर्न किस्म की एजुकेशन भारत में विस्तारित करेंगे, तो एक पूरी व्यवस्था बदल गई। उन्होंने खाली यही नहीं किया कि खाली अपनी एजुकेशन व्यवस्था या एक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार की तरफ ध्यान दिया, उन्होंने हमारी गुरुकुल प्रणाली को ब्रेक भी किया। कहा कि ये मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है, सबके लिए शिक्षा की इसमें गुंजाइश नहीं है। इस तरह के प्रहार भारतीय शिक्षा अपनी शिक्षा थोपी। सबसे पहले कलकत्ता कॉलेज की स्थापना हुई। कलकत्ता कॉलेज की स्थापना के साथ साथ एक अच्छा काम अंग्रेजों ने ये भी किया कि कलकत्ता में संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित किए। एक अलग बात है कि उन संस्कृत महाविद्यालयों में उन्होंने अपने लोगों का और ब्रिटिश अधिकारियों का संस्कृत में अध्ययन अध्यापन पर विशेष जोर के लिए वो तमाम सुविधाएं डेवलप की कि हम यहाँ के लिटरेचर को, यहाँ के देश को संस्कृत साहित्य के माध्यम से समझेंगे और अपने ढंग से इस देश की प्लानिंग करेंगे। बेशक उसका मोटो ये था, लेकिन ये एक अच्छा कदम था कि कलकत्ता कॉलेज के साथ साथ तीन संस्कृत महाविद्यालय भी कलकत्ता में स्थापित किए, जिसका काम यही था इस भारत में शिक्षा की व्यवस्था को एक सामान्य रूप से कैसे प्रचार प्रसार का आधार बनाकर इस काम को आगे बढ़ा जाए। इसी के साथ फिर 1823 तक आते आते एजुकेशन को लेकर एक सामान्य समिति गठित की और इस सामान्य समिति में भारतीयों की संख्या खास तौर से रखी और भारतीयों के अलावा जो ब्रिटिश इन दिनों संस्कृत का अच्छा ज्ञान हासिल कर चुके थे, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को समझने लगे थे, उन्हें भी इस सामान्य समिति में समाहित किया और इसमें एक मेजोरिटी या बड़ी संख्या थी ओरिएंटलिस्ट की। ओरिएंटलिस्ट जो प्राच्य विद्यावादी थे, यानी कि भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय दृष्टिकोण में आस्था रखते थे, तो इस समिति में खास तौर से इस तरह के लोग ज्यादा डोमिनेंट किए। उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार की एक व्यापक योजना 1823 के बाद बनानी शुरू की और बहुत सारी सिफारिशें सरकार को दी। इससे सरकार को ये लाभ हुआ कि वो ये जानने समझने में उन्हें आसान, लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस ढंग से चाहते हैं, और उन्होंने इसी के साथ साथ अपने ढंग से तो उनकी मनसा थी उसको भी उसके साथ कंपेयर करके देखा। इसी का परिणाम ये रहा कि अगले 10 साल बाद अपना उन्होंने पूरी तैयारी करके 1935 में
एक विधिवत ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के रूप में भारत में इंट्रोड्यूस की। जब मैकाले ने 1935 में अपनी शिक्षा नीति, अपनी शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया, तो उसने देखा कि कैसे यहाँ की जड़ें मजबूत हैं, कैसे यहाँ का एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सेटअप है, कैसे यहाँ मंदिर एक शिक्षा के बड़े केंद्र है, कम्युनिटी इंट्रैक्शन के एक बड़े केंद्र हैं, जहाँ पर लोग लगातार मिलते तो है ही हैं, जो शिक्षण का लोगों को स्थानीय स्तर पर ज्ञान देने का एक बड़ा माध्यम है, कैसे इन सब परंपरागत चीजों से शिक्षा को बाहर निकाला जाए और अपने ढंग की शिक्षा व्यवस्था लागू कर अपने राज्य के अनुकूल, ताकि हमारा राज यहाँ मजबूत हो सके, इस तरह की नई जनरेशन भारतीय समाज में तैयार हो सके, जिसे हम लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं, उसमें ये चीजें बहुत साफ थी, उनका अपना पूरा प्लान था। इसलिए उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जिस ढंग से जो प्रावधान किए, उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशाएं हमारी पूरी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना था और एक अंग्रेजी शिक्षा को हमारे ऊपर व्यवस्थित ढंग से थोपना था। क्योंकि उन्होंने आते ही लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति ने क्या किया, उन्होंने आते ही सबसे पहले एक तो ये किया कि एक इस जो अपर क्लास था उसमें एक अंग्रेज मानसिकता परस्त लोबी तैयार हो, ये उनका स्पष्ट वो था कि पहले हम कुछ ऐसे स्कूल्स खोलेंगे जिनमें एक अपर क्लास में जो थोड़े ज्ञान समझ और सहयोगी और उदार प्रवृत्ति के लोग हैं वो अंग्रेजी शिक्षा सीखें, अनुकूल अपना लिखा लें। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को फ्री करने की व्यवस्थाएं अपने बजट में की या बहुत सस्ते दरों पर प्रकाशन को खोला, अंग्रेजी भाषा को इंट्रोड्यूस किया और फारसी के काम को पूरी तरह बंद कर दिया। इस तरह लगातार जो पूरे सरकारी कामकाज में, अदालतों में, इनमें एक दूसरी भाषाएं काम कर रही थी, उन सब का पूरी तरह से सफाया हो जाने से रोजगार के अवसर भी अंग्रेजी भाषा की तरफ डाइवर्ट हो गए और अंग्रेजी का वर्चस्व, अंग्रेजी के प्रति लोगों का मोह, अंग्रेजी के प्रति लोगों का लालच लगातार बढ़ता गया। सेकंड चरण में उन्होंने यहाँ की एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट खोलने शुरू किए, रुड़की जैसे इंजीनियरिंग संस्थान को बनाया। उसके बाद उन्होंने इस शिक्षा पद्धति के मूल्यांकन के लिए लगातार कुछ कमीशन्स बनाए, कुछ आयोग एक के बाद एक बनाते गए, ताकि इस पूरे सिस्टम का, ये जो उन्होंने लागू किया था, इसका एक सही ढंग से इवैल्यूएशन होता रहे और हम जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर अपने लक्ष्यों को साधने की दिशा में बढ़ते रहे। तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच कमीशन 1854 में उन्होंने बैठाया। 1854 के इस कमीशन का पूरा टारगेट ये था कि एक तो जो हमने 1935 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की है वो कितने इफेक्टिव ढंग से आगे बढ़ रही है, इसकी रिपोर्ट हमें दे। दूसरा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार को, प्रसार को, उसके विकास को कैसे और अस्थाई ढंग से मजबूत किया जा सकता है, उसका फैलाव किया जा सकता है। तीसरा, इसका एक काम ये था कि कैसे एक प्राइमरी लेवल पर व्यवस्थित ढांचा बन सके, तो इसने प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन और कॉलेज के बाद महाविद्यालय के फॉर्मल और प्राइमरी स्केच कुछ कुछ इसका देने की कोशिश की, जिसे इसके अगले कमीशन हंटर कमीशन ने, जो 1882 में बना, उसने इसको और व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया और अपने ढंग से इस काम को बढ़ाते हुए लगातार इसमें इजाफा किया, बताया कैसे प्राइमरी लेवल पर हम क्या पढ़ाएं, किस तरह का एजुकेशन सेटअप बनाएं,
माध्यमिक लेवल पर क्या पढ़ाएं। हंटर कमीशन ने बिल्कुल जो आज हम साइंस आर्ट कॉमर्स और इन सारी चीजों का एक बड़ा क्लियर सा ढांचा देखते हैं, तो ये हंटर कमीशन ने उस समय इस पर काम करके बड़ा स्पष्टीकरण कर दिया, साइंस का, आर्ट का, कॉमर्स का, साहित्य का, और एक ऐसा स्ट्रक्चर व्यवस्था हमें दी कि 12 साल तक स्कूलिंग का एक पूरा पैटर्न सेट कर दिया। उसके बाद 3 साल का डिग्री कोर्स 12वीं के बाद वो उसने बड़े ढंग से हमारा स्ट्रक्चर किया। हमारी यूनिवर्सिटीज को उसने इंटीग्रेटेड फॉर्म देके जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है वो भी हंटर कमीशन की ही देन है। और नेक्स्ट चरण में उसने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जो टीचर ट्रेनिंग है जिसे आज भी हम और आप ले रहे हैं या लगातार आप देते हैं, टीचर ट्रेनिंग का जो पार्ट था ये भी हंटर कमीशन के दिनों में इंट्रोड्यूस किया। एक अच्छा काम जो मैं मानता हूँ इन्होंने किया, इसी के साथ इन्होंने विमेन एजुकेशन को, महिला शिक्षा को भी प्रभावी ढंग से इंट्रोड्यूस किया। तो इन्होंने किन किन चीजों को किया, एक तो पूरा 12 साल तक का जो कॉलेज का पैटर्न था, फिर 3 साल का डिग्री वाला पैटर्न था, फिर हमारे यूनिवर्सिटी इसको रेजिडेंशियल बनाकर और पूरे इंटीग्रेटेड ढंग से स्थापित किया, और नेक्स्ट में एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग और विमेन। तो ये जो एक ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक मुकम्मल ढांचा बन गया था, अगर गौर करेंगे तो अभी लगभग लगभग हम उसी का उपभोग कर रहे हैं। या हमारी शिक्षा नीतियों में अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई बहुत ड्रास्टिक या आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, उस ढांचे में आंशिक संशोधन या थोड़े बड़े संशोधन हमने जहां जिस हिस्से में करने की कोशिश की है तो वो इतना भर हुआ है। और ये इससे भी जाहिर होता है कि आजादी के करीब 20-22 साल बाद भी हम जिस मैकाले पद्धति की बुराई करते हैं, जिस मैकाले पद्धति में सबसे ज्यादा संकट खोजते ढूंढते हैं, उसी के सहारे आजाद भारत ने अपना काम चलाया। क्योंकि 1968 तक आते आते जब कोठारी कमीशन बना और पहली नई शिक्षा नीति भारत की, स्वतंत्र भारत में अपनी शिक्षा नीति बनाने का एक पूरा प्रक्रम और उद्यम चला, तब तक हम मैकाले पत्ती के सहारे ही अपने इस काम को चला रहे थे। तो उस नई शिक्षा नीति की शुरुआत जो 1968 में इंट्रोड्यूस हुई, उसमें भी हमने अपने इसी संकल्प को पुनः दोहराया जिसे आजाद भारत में हमारी सत्ता शपथ ग्रहण के समय दोहरा रही थी कि हम सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करेंगे, सबके लिए शिक्षा निःशुल्क करेंगे, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य करेंगे। जिस यूनिवर्सलाइजेशन या एजुकेशन फॉर ऑल का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, यह आजादी से पहले भी एक लक्ष्य था, आजादी लेते हुए हमारे नीति निर्देश का भी कमिटमेंट और संकल्प यही था, और आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति में भी यही संकल्प था कि कैसे सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित हो और कैसे हम उसे हासिल करें। आज भारत में जब पंचवर्षीय योजनाओं के ढांचे के तहत डेवलपमेंट का एक प्लान बनाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक शैक्षिक विकास का पूरा एक नियोजन किया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने अपने शिक्षा बजट को 7-9% रखा, और जब 5 सालों में हम उसका सही सदुपयोग भी नहीं कर सके, जब उसे सही से खर्च भी नहीं कर सके, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसे हमने घटा दिया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उसे 6% कर लिया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में फिर घटा लिया, और लगातार जब वो इन पंचवर्षीय योजनाओं में घट रहा था, हमारा पूरा नेतृत्व उसे सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से लगाने करने की व्यवस्था
शिक्षा में नहीं कर पा रहा था, तो हमने नई नीति बनाने की तरफ ध्यान दिया और कोठारी कमीशन बना, नई उन्हीं दिनों नई शिक्षा नीति 1968 इंट्रोड्यूस हुई, जो लगातार 1986 तक हमने जिसका मूल्यांकन, जिसका काम हमने देखने परखने की कोशिश की। इस बीच कई समितियां, कई उसके मूल्यांकन की एजेंसियां हमारे सामने आई, और बीच में हमने उसमें एक छोटा सा आंशिक संशोधन 1980 के आसपास 79 में शायद किया, और उसको हमने एक छोटा सा परिवर्तन कुछ चीजों में करने के साथ साथ एक बड़ा परिवर्तन भी देखा कि शायद शिक्षा को हम प्रभावी ढंग से इसलिए लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरे देश की शिक्षा को हम सेंट्रलाइज ढंग से देख रहे हैं। तो हमने इसे राज्यों को इस जिम्मेदारी को दे दिया, राज्यों का मुद्दा शिक्षा को बना दिया, और तब से एक नए प्रयोग में और उलझ गए कि शिक्षा राज्यों का एक काम रहेगी और राज्य अपने ढंग से अपनी शिक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। लेकिन कुछ राज्यों ने इस काम को होने से पहले ही अपने ढंग से संभाल लिया था, जिस केरल मॉडल की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक पूरी दुनिया में चर्चा होती है, भारत के हर संदर्भ में जिसकी बात की जाती है, उसके डेवलपमेंट का कारण ये नहीं था कि वहां राज्यों को दे दिया या कुछ दे दिया, वहां उस कमिटमेंट का अंतर था, विकल्प को बार बार दोहरा जा रहा था कि सबके लिए शिक्षा। केरल ने स्वतंत्र भारत की पहली विधानसभा में, अपनी पहली विधानसभा में ही इस संकल्प को सच्चाई और ईमानदारी के साथ संशोधित कर अपनाया और अपने राज्य में समाज की सहभागिता के माध्यम से, है ना, समाज के कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन के कारण संपूर्ण प्रदेश को साक्षर करने के मॉडल की तरफ बढ़ाया। बहुत सारे शिक्षा को लेकर अपने ढंग के प्रयोग उन्होंने किए और नए नए ढंग से शिक्षा को सामाजिक सहभागिता के आधार पर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन बाकी राज्यों की या तो कहें वो प्राथमिकता नहीं रही, या एक राजनीतिक नेतृत्व का दृढ़ संकल्प और विल पावर जिसे हम कहते हैं, उस ढंग से शिक्षा को लेकर हम नहीं देखते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्थाएं राज्यों से लेकर केंद्र तक प्रयोग का एक क्षेत्र बनती रही, और इस तरह आते आते जब हमने फिर 10-20 साल बाद मूल्यांकन किया और देखा कि 80 के दशक में भारत तेजी से बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, भारत के दुनिया के साथ संपर्क बढ़ रहे हैं, उदारीकरण की हवाएं 1980 के बाद से ही तेज होने लगी थी, और दुनिया के साथ हमारे इंटरेक्शन, हमारी ट्रीटीज, हमारा व्यापार बढ़ने लगा था, तो शिक्षा की रिक्वायरमेंट बदलने लगी थी। अब हमें कैसी शिक्षा की जरूरत है, अब हमें कैसे टेक्नोक्रेट्स चाहिए, अब हमें कैसे साइंटिस्ट चाहिए, अब हमें कैसे एजुकेटेड सोसाइटी की जरूरत है, तो हम दूसरी शिक्षा नीति की तरफ सोचने लगे थे। और हमने 1986 नई शिक्षा नीति या दूसरी नई शिक्षा नीति की तरफ रुख किया। इस दूसरी नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे बदलाव थे जो एक आधुनिक भारत की हमें ले जाने की तैयारी कर रहे थे, और इसी के आते आते जैसे 1986 में ये हुआ, तो अगले 3-4 साल में भारत ने बिल्कुल अपने डेवलपमेंट के मॉडल को पटरी से उतारकर एक दुनिया के साथ अपने आप को कंधे से कंधा मिलाकर चलने का जो एक दुस्साहस दिखाया, और नई आर्थिक नीतियों के साथ दुनिया के साथ ग्लोबलाइजेशन का रास्ता अपनाया, और जिसे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट का एकदम एक ग्लोबल मॉडल हमने अख्तियार कर लिया, तो हमें दिखाई दिया कि जो एजुकेशन पॉलिसी 96 में हमने बनाई थी, अब उसमें कुछ और बदलावों की जरूरत है, जिसे हम बहुत जल्दी नई शिक्षा नीति बनाने की तरफ तो नहीं बढ़े,
हालांकि बढ़ सकते थे तब भी बनाई जा सकती थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर बढ़ने के लिए देश को एक नई ढंग की मैन पावर और एक नई ढंग की चीजों की जरूरत थी, जिसकी तरफ बढ़ना, जिसकी तरफ जाना एक नई सदी की आवश्यकता थी। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो हाँ आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। तो हम उसे नई शिक्षा नीति की तरफ बढ़ने के बजाय हमने एक काम चलाऊ परिवर्तन 1992 में किए, क्योंकि 1991 में हम नई आर्थिक नीतियों को अपना चुके थे, दुनिया के साथ अपने तमाम क्षेत्रों में अपनी भागीदारी, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए साइन कर चुके थे और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर बढ़ चुके थे। तो हमने नई शिक्षा नीति को बनाने के बजाय कुछ आंशिक संशोधनों को करते हुए 1992 में अपनी 1986 वाली शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए, और उसमें खास तौर से हमने यही देखा कि कैसे एक यूनिवर्सल एजुकेशन की ग्लोबलाइजेशन ड्राफ्ट के साथ आप पर दबाव भी थे, अब आप दुनिया के उस चार्टर का हिस्सा भी विधिवत रूप से थे, बहुत सारे आपको मानने थे जिस पर आप दुनिया का दबाव था, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव था, आप अपने यहाँ के शिक्षा स्तर को बढ़ाइए, अपने यहाँ के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाइए, अपने यहाँ के करप्शन को कम कीजिए, अपनी तमाम चीजों को व्यवस्थित कीजिए। तो उसी दिशा में बढ़ने की तरफ हमने 1992 में ये बदलाव किए, खास तौर से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और एजुकेशन मैनेजमेंट को लेकर ये कुछ बदलाव थे। इन्हीं दिनों ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव और इसके कारण SSA का एक प्रोग्राम जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं, वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और सबके लिए शिक्षा की दिशा में दुनिया की तरफ से बढ़ा, और वर्ल्ड बैंक जैसे प्रोजेक्ट और इन सारी चीजों का सपोर्ट के कारण सर्व शिक्षा अभियान एक बड़ा सपना लेकर भारतीय एजुकेशन सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन के दबाव बना रहा था। ये दबाव कैसे थे कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को फैसिलिटेट करिए, जो गांव का तबका, जो गरीब लोग बहुत सारे अभाव के कारण आपके एजुकेशन सिस्टम से दूर है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स योजनाएं हमने बिना किसी प्लान के एकदम से झोंक दी, समाज को ना तैयार किया, ना अपनी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं, मूल्य मानकों का कोई बहुत व्यवस्थित अध्ययन किया, और हमने उस सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये तय कर लिया कि इससे कोई अलादीनी चिराग हमें मिल जाएगा और पूरे भारत को शिक्षित करने में हमें मदद मिलेगी। तो हमारी सरकारी योजनाओं में आप देखेंगे कि एक ताबड़तोड़ उत्साह के तहत स्कूलों में मिड डे मील, बच्चों के लिए बैग, बच्चों के लिए फ्री किताबें, बच्चों के लिए फ्री ड्रेस, बच्चों के लिए वजीफा और तमाम सुविधाएं, लेकिन वही ढाक के तीन पात, उसका कोई बहुत ज्यादा असर हमारे समाज में नहीं दिखा। फिर भी हम अगले दशकों तक लगातार ड्रॉप आउट आम संकटों पर बात करते रहे, और बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसियां जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रही थी, उनकी रिपोर्ट नकारात्मक और निराशापूर्ण आती रही। असर जैसे संस्थानों ने भी हमारे स्कूलों का मूल्यांकन किया, उसकी भी कोई बहुत आशाजनक रिपोर्ट्स उस कॉन्टेक्स्ट में या उस कंपेयर में नहीं आई, जितना रिसोर्स हमने उसमें इनपुट दिया उसका उतना आउटपुट हमें नहीं मिला। फिर हमने नए ढंग से कुछ तैयारियां अपनी शिक्षा व्यवस्था और सबके लिए शिक्षा कैसे मुहैया हो इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी शुरू की। थोड़े कुछ सकारात्मक दबाव बदलाव आते गए, इतना जरूर हुआ कि देश के हर कोने और हर गांव स्कूल पहुंच गया, और स्कूल तक बच्चों के लाने की कसरत भी समाज ने, सरकार ने मिलकर शुरू की, और इस तरह बहुत सारी लगातार एक दबाव बने, हम लोगों ने मेहनत की। लेकिन इन्हीं दिनों लगातार दुर्भाग्य से जो ग्लोबलाइजेशन के बाद
इन दो तीन दशकों में भारत में न्यू मिडिल क्लास बना, उसने हमारे इस पूरी कसरत की, हमारी इस पूरी मेहनत की हवा निकाल दी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद की पीढ़ी एक नए माइंडसेट में आ गई, उसे बाजार ने बिल्कुल अपने ढंग से तैयार कर लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकारी व्यवस्था, सरकारी स्कूलों के प्रति जो एक हमारी मानसिकता थी वो बदलने लगी, और सरकार के प्रति या सरकारी स्कूलों के प्रति हमारा बेरुखा रवैया उन्हें बिल्कुल तन्हा जैसी स्थितियों में छोड़ने लगा। जो भारत का नया मध्य वर्ग था 1991 से 2020 तैयार इस पीढ़ी को, नए मिडिल क्लास की मेंटेलिटी को जब आप स्टडी करते हैं तो उससे सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज, सारी मॉडर्निटी प्राइवेट सेक्टर में दिखती है। इन पूरे दो तीन दशकों में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला बढ़ा है, प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं, इससे समाज के साथ साथ सरकार को भी लगने लगा कि जब मेरा समाज ही या पूरी दुनिया ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना चाहती है, हम अपने सरकारी स्कूलों को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, इतना अच्छा वेतन दे रहे हैं, इतने तमाम तरह के अभियान, स्कीम, कार्यक्रम, योजनाएं सरकारी स्कूल्स में ला रहे हैं, फिर भी पूरा समाज प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो इस बीच नए ढंग से सरकार समाज सोचने और पीपीटी पर बात होने लगी, प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेज को प्राइमरी स्कूल और ये सेक्टर देने की बात होने लगी, है ना, लो कॉस्ट स्कूल या अफोर्डेबल स्कूल का कंसेप्ट आने लगा, इस पर लगातार लिखा जा रहा है, समाज की मानसिकता बनाई जा रही है कि सरकार प्राइवेट स्कूल, अफोर्डेबल स्कूल बनाने की प्लान में है, रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल प्राइवेट और पीपीटी मॉडल पर बनाने की योजना बना रही है, रिलायंस को तमाम प्राइमरी स्कूल देने की योजनाएं बना रही है। ये सब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट 91 के बाद आने शुरू हुए, और ये कब किस दिन किस साकार रूप में अवतार ले जाएं और हमारे आपके स्कूल्स और हम आपकी नौकरियां किसी कॉरपोरेट हाउस की नौकरियां बन जाएं, ये कोई बहुत अनिश्चित सा नहीं है, ये कभी भी किसी भी देश, किसी भी समाज में घट सकता है, क्योंकि दुनिया और समाज उस तरफ बढ़ने की तैयारियां। प्राइमरी स्कूलों में आप देखते हैं, मैं भी जाता हूं, मैं भी इनका स्टडी करता हूं, वहां एक फिल्ट्रेट मटेरियल बचा है या एक छना हुआ मटेरियल बचा है, गरीबों के स्कूल कहने लगे हैं या गांव के जो दलित पिछड़े गरीब लोग हैं उनके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, कर्मचारी तक बच्चे नहीं भेज रहे, इन जो नौवे और केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें भी जो अपर क्लास का या मिडिल क्लास का सरकारी कर्मचारी है वो भी अडॉप्ट ना करके दूसरी तरह के एक स्टेटस सिंबल भी पब्लिक स्कूल को चुनना और अपने बच्चों को भेजना समाज में बंद हो गया। हमारे दिमाग में अपने पैटर्न सेट करता है ना, तब बहुत दिक्कत होती है। अब इसमें समाज में एक नई ढंग की हायरार्की फिर बन जाएगी, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये सबके लिए शिक्षा का जो सपना था उसे जितना हम घेर कर नजदीक लाए थे वो फिर दूर जाने लगेगा, है ना, उसमें फिर गैप ज्यादा बनने लगेंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और मार्केट अपने आप की डोमिनेंसी के साथ समाज को, सरकार को गवर्न करने लगा है। तो इन सारे खतरों को हमें कैसे पार पाना है और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ कैसे बढ़ना है, ये असल चिंता है। इसके कारण बहुत सारे हैं, आप मेरे से अच्छी एक लंबी फहरिस्त बना सकते हैं, उसमें हमारे सामाजिक सांस्कृतिक निषेध से लेकर लैंगिक विभेद तक हैं, सामाजिक आर्थिक असमानताएं हैं, है ना, लोगों की गरीबी है, लोगों की सरकारी स्कूलों तक पहुंच है, निरक्षरता का समाज में तांडव है ना,
घोर जो एक पूरा अभाव है चारों तरफ हर चीजों का, एक पूरी लंबी फहरिस्त इसकी बन सकती है। शिक्षक शिक्षा अनुपात का मुद्दा है, ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन्हें स्टेट अपने ढंग से हैंडल कर सकता है, लेकिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक की सूझ हैं उन्हें हमने एजुकेशन को लेकर एड्रेस किया ही नहीं। जब तक समाज उन सामाजिक सांस्कृतिक वर्जनाओं से बाहर नहीं आएगा और स्टेट मिलकर उन चीजों पर काम नहीं करेगा कि बच्चियों का ही ड्रॉप आउट क्यों है, वो खाली पैसे से जुड़ा मामला नहीं है या खाली फैसिलिटीज देने से जुड़ा मामला नहीं है कि आप सुविधा दे देंगे तो सब आ जाएंगे या फ्री स्कूल बैग वजीफा खाना पीना नाश्ता सब दे देंगे तो सब आ जाएंगे। उनके पीछे बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक वजह हैं, आप उन पर काम करिए, समाज को तैयार करिए, तब आप उस लक्ष्य को पाएंगे, तब आप उस गैप को भर पाएंगे। सरकार शायद कहीं ना कहीं इन सामाजिक मुद्दों को हल्का लेती है या हम एक बने बनाए ढर्रे वाले तौर तरीकों पर जीने के आदि हैं और उस तरफ बढ़ते हैं चलते हैं और काम में लग जाते हैं। तो इन सारी चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन समाज को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, उसके लगातार खतरों को बढ़ रहा है, किस प्रकार वैश्विक मंदी इन सारे खतरों से जुड़ी हुई है जो हम शायद सोचते भी नहीं है, है ना, किस तरह से हमारे पाठ्यक्रमों का अरुचिपूर्ण होना इन सारी चीजों में छोटी छोटी बाधाएं हैं, किस तरह से शिक्षा का बजट आज तक हम 6% जैसा सामान्य सा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, इसकी क्या वजह है, ये खाली बजट की पूर्ति का हिसाब नहीं है, हमारे पास उनके खपत की कोई व्यवस्थित प्लान योजनाएं भी नहीं है। बजट को बढ़ाकर करेंगे भी क्या, जब जो बजट है वही वापिस चले जाते हैं, या हमारे अधिकांश सांसद अपनी सांसद निधि को ही वापिस कर देते हैं साल के अंत में, ना हमारे पास जब उस तरह का ही कोई व्यवस्थित प्लान विजन किसी समाज के पास नहीं होता, उसके लीडर के पास नहीं होता, तो कैसे काम बनेगा। राज्य सरकारों को अपने ढंग से इस मॉडल को विकेंद्रीकरण के आधार पर कैसे बनाना है, कैसे केरल का मॉडल सफल हो गया या दुनिया में फिनलैंड का मॉडल कैसे सफल हो गया, कैसे आधारभूत संरचनाएं आज भी हमारे विद्यालयों में नहीं है, 21वीं सदी में हम शौचालयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शौचालय हमारे स्कूलों का टारगेट है, तो एजुकेशन तो एक अभी इससे आगे का बड़ा मुद्दा है। और जब आप अभी साक्षरता की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा का जो टारगेट है, जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, नई दुनिया ने 21वीं सदी ने नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वही बदल दिया है। अब साक्षर वो नहीं है जो किताब नहीं बांट सकता, जो अखबार नहीं पढ़ सकता, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, अब साक्षरता का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं बन पा रहा, अब इलिटरेसी वो होगी, अब लिटरेसी का मूल्यांकन इससे नहीं होगा, तो हम तो फिर बहुत पिछड़ जाएंगे, हमारी लिटरेसी रेट तो फिर वही चला जाएगा जहां आजादी के समय 17-18% हम साक्षर थे। तो इस दृष्टि से जब नए ढंग का शिक्षा मूल्यांकन होगा, क्योंकि दुनिया फिर बदल गई है, जब हम यहाँ तक कसरत करके मेहनत करके अपने देश समाज को लाए हैं, है ना, अब साक्षरता कंप्यूटर लिटरेसी से आंकी जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आंकी जाएगी। शायद हमारे टीचर को, हमारे संस्थानों को, हमारे स्कूलों को नए ढंग से फिर कमर कसने की जरूरत है, जिसमें हमारी पीढ़ियां लगातार आजादी के बाद खपी हैं, मेहनत की हमारे शिक्षक ने, उस गुरु से बड़ा गूगल गुरु बन गया है अचानक से रातों रात इस टेक्नोलॉजी में, उसकी भूमिका को चैलेंज करने लगा है, तो नए ढंग से फिर तैयारियां करनी पड़ेगी, नए ढंग से अपने शिक्षक को फिर अपनी कमर कसनी पड़ेगी। नया शिक्षक कैसा होगा, वो नए ढंग का नवाचार करने वाला, नए ढंग से समाज को तैयार करने वाला, नए ढंग से अपनी पीढ़ी को तैयार करने वाला, उसकी जिम्मेदारियां शायद बहुत बढ़ने वाली हैं। और सबके लिए शिक्षा में हम सब की क्या जिम्मेदारी है, इन सारी चीजों को गंभीरता से और गहराई से देख समझने की जरूरत इसी मुद्दे पर है कि
21वीं सदी की जरूरतें अलग हैं, 21वीं सदी की आवश्यकताएं बिल्कुल भिन्न हैं। अब तक हम जो पढ़ा रहे थे शायद वो अब ज्यादा काम का नहीं है, इसीलिए भारत सरकार नई शिक्षा नीति की तरफ बढ़ी है और नई शिक्षा नीति 2020 में उन सारी चीजों को समाहित करने की कोशिश की है जो इस मॉडर्न, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का, इस बदलती दुनिया का, इस वैश्वीकरण के दौर की दुनिया का एक भी सामान है, जिस ढंग से हम अपनी मैन पावर को एक स्किल्ड वर्कफोर्स में, एक कौशल विकास के जरिए, एक कौशल एजुकेशन, स्किल्ड एजुकेशन के जरिए तैयार कर सके। लेकिन ये भी देखना है कि किस तरह के स्किल, दौर के अपने स्किल होते हैं। 21वीं सदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। इस सदी का मेन स्किल इंफॉर्मेशन है। आप अपने इंफॉर्मेशन को कैसे पूरी दुनिया तक शेयर कर सकते हैं, कैसे अपने इनोवेशन को, अपने नवाचार को, अपने प्रोडक्ट को जो आपने बनाया है उसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसलिए हमने जो मल्टी लैंग्वेज और भाषाई एक प्राथमिकता अपनी नई शिक्षा नीति में रखी है कि हम उसमें स्थानीय शिक्षा को, स्थानीय भाषा को महत्व देंगे, मातृभाषा को महत्व देंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषा को महत्व देंगे और दुनिया की और तमाम भाषाओं को जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उन्हें भी महत्व देंगे, क्योंकि दुनिया पूरी तरह जुड़ गई है। अब अगर आप खाली मातृभाषा जानते हैं, स्थानीय भाषा जानते हैं, अपनी गृह भाषा जानते हैं और दुनिया की भाषाओं को नहीं समझते तो आपके स्किल डेवलपमेंट का, आपके कौशल विकास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपने उस लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, आप अपनी उस एजुकेशन को कैसे इस ग्लोबलाइज सिस्टम में इंट्रोड्यूस करोगे। जब आप दुनिया के कम्युनिकेशन स्किल को समझोगे, दुनिया की भाषाओं में बात करना जानोगे और दुनिया को अपने बात, अपने प्रोडक्ट दिखाना बताना आप सीख जाओगे, तभी आप इस मार्केट का हिस्सा बन पाओगे, तभी आप बदलती 21वीं सदी की इस दुनिया का हिस्सा बन पाओगे, तभी आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर पाओगे, तभी आप अपने समाज और अपने आप का विकास कर पाओगे और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कोई दिशा, कोई आर्थिक लाभ की डायरेक्शन में ले जा पाओगे। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए खास तौर से जो चैलेंजेज हैं सार्वजनिक एजुकेशन में, उन्हें मोटा माटी के तौर पर हम सुलटा सकते हैं, उन चैलेंजेज को, उन बाधाओं की दिशा में हम बढ़ सकते हैं कि कैसे हम अपनी गरीबी को कम करें, कैसे हम अपनी निरक्षरता को कम करें, कैसे हम अपने समाज का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ाएं, कैसे स्थानीय समुदाय के बीच वो विश्वास और सहयोग हम पैदा करें ताकि सब एजुकेशन की तरफ सोचना समझना शुरू करें। तो इसकी तरफ हम जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को नहीं बढ़ाएंगे, अपने बजट को नहीं बढ़ाएंगे, शिक्षा के स्वरूप में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलाव नहीं लाएंगे। अभी हमारे पास कई तरह की एजुकेशन है, हमारे दोहरे तीहरे तरह की एजुकेशन है, जब तक इसमें हम सिमिलरिटी नहीं लाएंगे, एक तरह का एजुकेशन सिस्टम, एक तरह के एजुकेशन देने की तरफ समाज को अग्रसर नहीं करेंगे तो बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन, श्रेणियां, कैटेगरीज समाज में अपने आप बनती रहेंगी जो अगड़े पिछड़े इन सब सारी चीज़ों को जन्म देती रहेंगी। ये सारी खामियां बेसिकली हमारे उस एजुकेशन सिस्टम की हैं जिसकी तरफ हमने शायद ध्यान नहीं दिया। और स्थानीय कौशल, लोकल जो आपका टैलेंट है, लोकल जो आपका रिसोर्स है, जो आपके स्थानीय संसाधन है, जब तक हम उन्हें समझकर अपने एजुकेशन सिस्टम के स्किल डेवलपमेंट को वैरायटीज में डेवलप नहीं करेंगे तब तक स्किल डेवलपमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। शिक्षा जब तक जीविका से ना जुड़े, वो रोजगार को का सुनिश्चित ना करें तब तक भी उसका कोई खास मतलब नहीं बनता है। इन सारी चीजों के कारण हम अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प कर सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को सबके लिए खोल सकते हैं, एजुकेशन फॉर ऑल। जब तक सोसाइटी,
और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा। एजुकेशन सिस्टम के साथ सोपल पूरा अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं देगा, है ना, जिसे हम सोशल सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, उसका और एजुकेशन सिस्टम का एक हो जाना ही सबके लिए शिक्षा और शिक्षा का सार्वजनिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण और सबके लिए शिक्षा का सुनिश्चित होना है। हम जब तक प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोचते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं जो हमें अपने तमाम सिस्टम में, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो कोई आर्थिक सिस्टम है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम है, तो हमें उसमें ना तो कोई पॉजिटिविटी नजर आती और ना ही उसका कोई समाधान हमारे दिमाग में बैठता है। हम जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता सूझ जाता है। जैसे आईएएस एकेडमी मसूरी के साथ में प्राइमरी एजुकेशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था 2001 में, तो 2001 में उत्तराखंड मुझे मिला था। उत्तराखंड के बेसलाइन एजुकेशन सिस्टम का एनालिसिस हम लोगों को करना था और उत्तराखंड में भी उद्धम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट एक मेरे पास था, तो वहाँ बहुत सारे स्कूल टीचर्स की कमी से जूझ रहे थे कि वहाँ टीचर कम है। कई स्कूल तो ऐसे थे जिनमें मैं गया, सबके बातचीत की कि एक एक ही टीचर था या किसी में दो टीचर थे, और किसी भी प्राइमरी स्कूल में मिनिमम 1 से 5 तक की क्लासेस होती हैं। तो अब स्कूल एक कूल ढंग से व्यवस्थित ढंग से रोज कैसे चले, या तो टीचर आता था सारी क्लासेज को एक साथ बैठा लेता था और सबको कॉमन ढंग से पढ़ा देता था क्योंकि एक ही टीचर था, या एक एक घंटा सबको अलग अलग ढंग से पढ़ा देता था। लेकिन एक टीचर है, कभी वो छुट्टी भी जा सकता है, कभी उसके साथ कोई संकट भी हो सकता है, कभी वो लेट भी हो सकता है, कभी हो सकता है, इन सारी चीजों का। तो हमने उनके साथ ऐसे इंटरेक्शन किया, बातचीत की, और हमने उन्हें कहा कि एक एक हफ्ता हम करीब एक स्कूल को देते थे कि आप हर क्लास का जिसे आपने मॉनिटर बनाया है उसकी आपने कुछ बेसिक अच्छाइयां देखी होंगी या उसका एक मेंटल लेवल एक लेवल पर होगा, इसलिए आप क्लास मॉनिटर बना, उन क्लास मॉनिटर की आप ग्रूमिंग करिए, और 2-3 दिन हम भी उनकी लेते हैं। हमने भी उन सारे क्लास मॉनिटर की 5-7 की सभी क्लास उन्हें बिल्कुल एज ए टीचर थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश की, और हमने कहा कि जो 5वीं क्लास का मॉनिटर है वो 4थी क्लास को पढ़ाएगा, 4थी क्लास का 3री क्लास को पढ़ाएगा, 3री क्लास का 2री क्लास को पढ़ाएगा, 2री क्लास का 1st को पढ़ाएगा, और टीचर अपने आप में एक एक क्लास में एक्सचेंज करता रहेगा। कुछ दिन बाद जब हमने वहां देखा तो उन्होंने इस पैटर्न को अपने ढंग से पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया, और उस स्कूल में बहुत सारा जो एक अराजकता या कुछ बच्चे इधर खेल रहे, शोर मच रहा, ये हो रहा, वो काफी कुछ नियंत्रित था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें हरदम प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही नहीं सोचना चाहिए, हमें थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड आना होगा, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड आना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप सामाजिक सहभागिता, जिसे मैं सोशल पार्टिसिपेशन कह रहा हूं, उसे नहीं बढ़ाओगे तो आप सार्वजनिक शिक्षा का लक्ष्य दुनिया में हासिल नहीं कर पाओगे। ना किसी सरकार की इतनी कुव्वत है, ना किसी सिस्टम की इतनी कुव्वत है कि वो एक सार्वजनिक शिक्षा का मॉडल हासिल कर ले। या जिन समाजों ने किया है तो वो समाज के सहयोग से किया है। जिस दिन समाज ये कमर कस लेगा कि हमें पढ़ना है और हमें सबको पढ़ाना है, आप देखेंगे कि पूरे भारत में आजादी से पहले भी और आज भी हजारों उदाहरण हैं, कम्युनिटी ने अपने पैसे से खुद खर्च करके अपने संस्थान खड़े कर दिए, लाखों स्कूल कॉलेज हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी जातीय सभाओं के हैं, अपनी कम्युनिटीज के हैं, अपने लोगों के हैं, अपने ट्रस्ट के हैं, जिनमें सरकारों ने सिर्फ बाद में अपनी मोहर लगाई है या उन्हें अडॉप्ट किया है, उनमें किसी सरकारों का कोई बड़ा योगदान नहीं है। लोगों ने, समाज ने अपने खून पसीने की मेहनत कमाई से बनाए हैं, समाज को पढ़ाया है, तो उस तरह के मॉडल को बहुत अच्छे ढंग से हम अप्लाई कर सकते हैं।
दिल्ली में रहता हूँ, जेएनयू डीयू के ऐसे बहुत से सैकड़ों छात्र हैं आप देखेंगे, जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्लान के दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में नियमित रूप से जाते हैं और उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं। फ्राइडे आप जाएंगे, सैटरडे आप जाएंगे, संडे मैं जाऊंगा, मंडे आप जाएंगे, लड़कियां जाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में घंटा दो घंटा बच्चों को पढ़ाते हैं और वो उनके सर मैम व्यवस्थित हैं। और इतना ही नहीं करते, वो उन्हें वहां औपचारिक ढंग से पढ़ाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और कुछ छोटे छोटे समूह ऐसे हैं जो उनके जरूरी कागजात या कुछ बनवाकर या जो रिक्वायरमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी, वो उन्हें एमसीडीज के स्कूल में या उसमें दाखिल भी करते हैं, क्योंकि वो बच्चे उस तरह के हैबिचुअल नहीं होते कि एकदम से स्कूलों को अडॉप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो धीरे धीरे उन्हें इस मॉडल के तहत उन स्कूलों में हिला जाता है, बना जाता है और धीरे धीरे औपचारिक सिस्टम का हिस्सा बनकर वो इन स्कूलों में जाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं सबको पढ़ाने के, ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो हमें सार्वजनिक शिक्षा की तरफ ले जा सकते हैं और हमें हमारी जिम्मेदारी बताने के लिए पर्याप्त हैं। हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं? हम और आप मिलकर खाली यहाँ तक ना सोचे कि मैं किसी को सिर्फ 50 रुपये फीस दे सकता हूँ, हम और आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, छोटे छोटे समूह बनाकर बिना किसी बर्डन के कर सकते हैं। हम महीने में एक दिन निकाल सकते हैं, हम इतने लोग हैं, हम हफ्ते में एक दिन निकाल सकते हैं, बशर्ते कमिटमेंट का सवाल है, बशर्ते उस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है जिस पर आज मुरली जी ने विचार विमर्श डिस्कशन रखा है, बशर्ते हम आपके उस तैयारी उस माइंडसेट को, हमें देश को पढ़ाना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, हम जब हमें अपने आसपास खेलते हुए बच्चे है ना स्ट्रीट चिल्ड्रन दुखी करने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे, हमारी संवेदनशीलता को जगाने लगेंगे, हमें सारे समाधान अपने आप दिमाग में आने लगेंगे। अभी हमारा आपको तनख्वाह मिलती है, हम अपने ढंग से सूट मूट पहन के स्कूल हमारे लिए सेलिब्रेशन, मनोरंजन, चाय समोसा पीना, खाना, क्लास लेना, तनख्वाह लेना, इससे जब आगे बढ़ जाएगा बहुत सारे काम दिमाग में आने लगेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे पास अपने आप देने के लिए निकल आएंगी। तो उस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी जिम्मेदारी की जो बात इस विचार विमर्श में अहम है, जिसका पर एक लगातार बात होने की जरूरत है और हमें लगातार उस तरफ सोचने समझने काम करने की जरूरत है, हम उस चीज के लिए तैयार हों, हम उस चीज के लिए बने, हम उस आप और ये पूरा सिस्टम जो पूरा प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम है ना, हमें कहाँ ले जा रहा है? मैं आपके राजस्थान टोंग के हीरो हैं उस फिल्म के, हिंदी मीडियम, इरफान खान, आपने देखी वो फिल्म है ना, क्या क्या करना होता है ना, कैसे कैसा सिस्टम बना दिया है, कैसे हम अपने बच्चे को एक दाखला दिलाने के लिए कितने कैसे कितने हुबू कितने कितने बहरूप में हम आ जाते हैं और कुछ भी करने पर उतार जाते हैं, हम और आप महसूस नहीं करते, बहुत सारे कुछ कुछ काम हम और आप भी कर रहे होते हैं। उस हिंदी मीडियम फिल्म को हम रोज देखें तो शायद हम अपनी कुछ तैयारियां करेंगे, अपनी कुछ जिम्मेदारियां समझेंगे और इन सारी चीज़ों, इन सारी बातचीत को, शायद मैं ज़्यादा लंबा हो गया, पूरा एक घंटा हो गया आपके लिए बातचीत का, फिर समय नहीं रहेगा, इंटरेक्शन का समय नहीं रहेगा, कोई छोटा मोटा सवाल तो क्या, लेकिन कोई सलाह मेरे लिए, कोई इनमें और चीज़ें जोड़नी हो, कोई आप अपनी तरफ से कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। आप सबका विशेष आभार, आप सबका बहुत धन्यवाद, तमाम शिक्षक साथी, मेरे से भी सीनियर अनुभवी बुद्धिजीवी लोग, प्राचार्यगण और तमाम शिक्षा से जुड़े महामहिम आप सब हैं, तमाम मैडम लोग और ये सब स्कूल से भी आप सब लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं, मैं सब का धन्यवाद करता हूँ कि आप समय देते हैं, मुझे भी इस बहाने से थोड़ा सोच चिंतन करने का, पढ़ाई लिखाई करने का एक बहाना देते हैं। आप विशेष बार धन्यवाद, मुरली जी नमस्कार। धन्यवाद राकेश जी सर, आपने उन तमाम आयामों को, पहलुओं को अपने विचार में लाने का प्रयास किया और उन सब पर विस्तार से आपने अपने विचार रखे।
आपने आजादी से पूर्व यानी लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जब से शुरू हुई उससे भी पहले से आपने अपने विचार रखे और जो विभिन्न तरह के प्रयास सरकार की ओर से होते रहे हैं उसमें ऊट्स कमीशन की बात कही 1854 में, हंटर कमीशन की बात कही 1882 में, कोठारी आयोग 1968 में, उसके बाद फिर 1975 में शिक्षा क्रम आया, 10 वर्षीय पाठ्यक्रम आया, 1986 में नई शिक्षा नीति बनी और फिर आपने कहा कि वैश्वीकरण के दबाव में 1992 में जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ, यशपाल समिति प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट आई 1992 में, बस्ते का बोझ कम, ये एक विशेष चर्चाओं का विषय रहा था, उसने रिकमेंड की। 2000 में फिर नया शिक्षा क्रम आया और किस प्रकार से वैश्वीकरण के दबाव में, 2000 के दबाव में शिक्षा अधिकार अधिनियम आया, ये सब उसी का एक क्रमिक विकास रहा, क्रमिक विकास रहा। 2005 में नया शिक्षा क्रम आया, वो भी काफी, और वो अभी भी हमारे उसी के तहत हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, शिक्षा क्रम है, उसी के तहत हम शिक्षण प्रक्रिया चला रखे हैं। प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी उसके डायरेक्टर थे, तो काफी अच्छा शिक्षा क्रम था। वो 1900 और वैश्वीकरण के दबाव में किस तरह से हमारे मानसिकता बदल रही है, वो किस तरह से हमारे लिए खतरा बनती जा रही है, किस तरह से हम हमारे सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होते हुए भी हमारे बच्चों को प्राइवेट में भेजना चाह रहे हैं, और ये एक तरह से वैश्वीकरण के दौर में, बाजारीकरण के दौर में हमारी मानसिकता को ही बाजार बदल रहा है, तो उसके खतरे भी आपने समय में लाने के प्रयास किए, और वैश्वीकरण की मंदी है इनको भी आपने उबारा है, उसके साथ में पाठ्यक्रम किस तरह का हो, शिक्षण प्रक्रियाएं किस तरह की हो, और एक जो आपने समूह में लाने की कोशिश की कि किस तरह से हमारा जो अभी का सिस्टम चल रहा है, तंत्र चल रहा है, और सार्वजनिक शिक्षा, सार्वभौम शिक्षा की ओर किस तरह से बढ़ सकते हैं, सबको शिक्षा मिले इसके लिए किस तरह से बढ़ सकते हैं, उसमें जो समुदाय की सहभागिता है, समुदाय को साथ लेकर चलना है, और हर व्यक्ति को उस शिक्षा तंत्र से जोड़कर ये समझे हर व्यक्ति कि ये हमारा ही काम है और हमको हमारे इसका लक्ष्य पूरा करना है, इस ओर भी आपने अच्छे से अपनी बात रखी है। फिनलैंड मॉडल है जो दुनिया में फेमस है, उसको भी आप लाए, केरल मॉडल की भी बात की, और वह बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आज से 20 साल पहले जब बालक पढ़ना लिखना सीख जाता था उसी से संतुष्ट हो लेते थे, लेकिन आज हमारी अपेक्षाएं बदल गई है, हमारे दुनिया वैश्वीकरण की वजह से हमारी अपेक्षाएं बदल गई है, तो हमें जब हम दुनिया के साथ चलेंगे तभी हमारा नागरिक उसमें कम्पीट कर पाएगा, वरना आज हम जिस स्तर पर है दुनिया उससे बहुत आगे बढ़ गई है, और ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया और आगे बढ़ जाएगी तो हम हमेशा ही पीछे रह रहे होंगे, तो उसके लिए हम किस तरह का पूरा प्रक्रिया तंत्र में सुधार करें, इस चीज को आपने अच्छे से उभारने की कोशिश की है। और जो 21वीं सदी की आवश्यकता है, तैयारी शिक्षा तंत्र में भी जो विभिन्न तरह की जो लेयर बनी हुई है कि जैसे ये नवोदय विद्यालय है, इसमें अच्छी पढ़ाई होती है, महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल आ गया, ये आदर्श विवेकानंद वाला मॉडल आ गया, ये केंद्रीय विद्यालय मॉडल आ गया, और ये गरीब बच्चों का सामान्य स्कूल मॉडल तंत्र है, तो जब हमारी मानसिकता है कि फला सरकार सब है, सरकार की स्कीम है, सरकार की योजना है, सरकार का ही काम है, लेकिन सरकार भी इसमें पैसा सरकार खर्च कर रही है, शिक्षक सरकार लगा रही है, लेकिन इसमें भी वो सरकार इस दृष्टि से देखती है कि नवोदय विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई करवानी है, आदर्श विवेकानंद मॉडल स्कूल में बढ़िया पढ़ाई करवानी है, महात्मा गांधी मॉडल में बढ़िया पढ़ाई करवानी है, केंद्रीय विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई करवानी है, तो क्या ये गरीबों के जो सरकारी स्कूल है उनमें नहीं करवानी है कि अच्छी पढ़ाई, तो ये वास्तव में सही कहा आपने कि एक ही तंत्र काफी है ना, उसी में अच्छी पढ़ाई करवा दो ना, ये अलग अलग तंत्र बनाने की कहाँ जरूरत है, और ये अलग अलग तंत्र से क्या होता है, सरकार का फोकस उनमें बट जाता है, और जो बाकी जो ज्यादा बच्चों के हिस्से में जो स्कूलें आती है, गरीब बच्चों के स्कूलों में हिस्से में जो स्कूलें आती है, वंचित समुदाय के हिस्से में जो स्कूलें आती है, वो फिर भी हाँ से स्कूलें ही बंद कर रह जाती है, जबकि ज्यादा बच्चे उनमें पढ़ रहे होते हैं, तो इनकी बजाय अगर ये एक ही तंत्र रखें और सभी को माने कि हर विद्यालय को अच्छा बनाना है, हर विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिले इसके प्रयास करना है, तो वही प्रयास काफी है, तो ये बात सही करे हो आपने, ये बहुत अच्छी बात समूह में लाने की कोशिश की। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो आपने रखनी दी कि जो भी जिस तरह से चर्चा आगे बढ़ी वो सभी साथियों ने सुनी है, और एक अच्छी बात ये रही कि बहुत कम साथियों ने अपने माइक को अनम्यूट किया है, और कुछ साथी थे जो बार बार वही अनम्यूट कर रहे थे, तो इसलिए चर्चा पूरी अच्छे से सुनने में आई है,
और जो साथी कनेक्ट हो गए वो संख्या हमारी स्क्रीन पर 120 की आ रही थी, 115 से 120 हमेशा बने रहे। यानी आपका विचार में उसका एक क्राइटेरिया या एक इंडिकेटर है कि आपकी चर्चा सब साथियों को काफी अच्छी लग रही थी, सब उसको अच्छे से आत्मसात कर रहे थे। तो आखिर में यही है कि जो आपने रखी है कि और भी जो आपने बात रखी उससे संबंधित कोई सवाल हो, कोई जानना हो, तो उसके लिए अब हम ये खुला मंच रख रहे हैं। तो इसमें आग्रह यही है कि जो साथी अपनी बात रखें वो अनम्यूट होके अपनी बात रख के तुरंत म्यूट हो जाए, ताकि आप हमको बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़े इस लिस्ट को, और आपके वहाँ ग्रुप में, समूह में, ऑफिस में जो चर्चा हो रही है वो इसमें नहीं आए। एक खुशी की बात यह है कि स्क्रीन पर 118-120 ही आ रहे थे, लेकिन कुछ जगह से मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, जैसे टोडी पीओ साहब का आया, ओम प्रकाश जी का, कि वो उनके जो स्कूल में कॉन्फ्रेंस रूम है उसी को चालू करके पूरा स्टाफ वहाँ सुन रहे हैं। बैठे हैं सब। ओम प्रकाश जी का नमस्कार। यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा है उनका, तो इस तरह से वो और जगह भी इस तरह सुन रहे होंगे। तो इसका मतलब हमारे विचार जो संख्या दिख रही है उससे भी ज्यादा व्यक्तियों के सामने जा रहे हैं। तो अब ये खुला मंच है, इसमें जो साथी अपनी बात रखना चाहे, सवाल रखना चाहे, वह अनम्यूट होके अपनी बात रखें। तो अभी बीच में आवाज आई थी, नमस्कार कर रहे थे एक साथी, तो वह अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ मुरली, क्या आप एक तो क्या लिंक समय पर नहीं देते हो, लिंक की वजह से हमारे बावड़ी वाले तो सभी परेशान हो रहे थे। अभी देवेंद्र जी ने लिंक भेजा इसलिए हमने आपसे जुड़ पाए, नहीं तो जुड़ी नहीं पा रहे थे। सर ये तो कर समस्या बता रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं 3 दिन पहले से लिंक भेज चुका और कई कारणों से या तो मोबाइल को डिलीट हो गया होगा या, लेकिन ये हमने हमारे स्तर पर तो हमने भेज दिया था। 10:33 पर मिला था, तभी आपसे जुड़ पाए थे, नहीं जुड़ी नहीं पा रहे थे। हाँ तो सर वो कमी रही है, और जगह भी रही होगी इस तरह की समस्या, आगे इस पर ध्यान देंगे। और कोई साथी अपनी बात रखें। जो आज की ये चर्चा रही पूरी, इस पर भी अपने विचार रख सकते हैं। कोई साथ ही अच्छे सजेशन जोड़े इसमें जरूर। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ कैलाश बोल रहा हूँ मैं। हाँ अगर अगर कोई साथी अपने विचार या कोई सवाल नहीं रख रहे हैं या जब तक रखे हैं तब तक मैं हाँ बोलो कैलाश जी। तो सर बहुत अच्छा व्याख्यान रहा आपका, और आज़ादी से पहले से जब से अंग्रेजों ने प्रयास किया तब से लेके और आप आज दिन तक किस तरह के प्रयास रहे उस पर आपने काफ़ी विस्तार से अपने विचार रखे। मैं बस ये सोच रहा था कि इस तरह से हर पढ़ा लिखा व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति थोड़ा आर्थिक रूप से सक्षम होता है, तो आप देख पा रहे हैं, हम सभी देख पा रहे हैं कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भाग रहा है। वो मतलब दूसरों को देख के भी लग रहा है कि यार उसके बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊं, कि कोई जयपुर कोई दिल्ली ज़्यादा बड़े शहरों में बच्चों को भेज रहा है ना। और ज़्यादातर ये ऐसा हो रहा है कि भाई उसके बच्चे अगर महंगी में पढ़ सकते हैं तो मैं उससे कम महंगी में पढ़ा लूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जाए बच्चे मेरे। ये खास तौर पर एक लहर जैसी है। हमारे जो सरकारी स्कूल है खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें तो उसका मिक्स बच्चे आते होंगे या आते हैं, थोड़े आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भी आते हैं और थोड़े थोड़े से उनसे ऊपर के भी आते हैं, लेकिन
शहरों में ये नहीं है, शहरों में तो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे बच्चे तो, लेकिन अगर बात करें यूं तो गांव के भी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग वो भी विवेकानंद मॉडल स्कूल में भेजेंगे अपने बच्चों को, अगर उनको मौका मिल जाए तो वो भी उसमें एडमिशन करवाने के लिए लालायित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में तो है ही सही कि भाई अगर हमको मौका मिल जाए तो हम भी हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। तो मतलब आपके इस पर क्या विचार है, क्या हमारे स्कूल में जिस तरह से नाम कम होता जा रहा है या जिस तरह से वो हमारे शिक्षा के सार्वजनिकरण का जो लक्ष्य है सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिस तरह से आपने अपने व्याख्यान में भी कहा कि भाई सब कुछ प्रयास करने के बावजूद भी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचा पाए हमारे सरकारी स्कूल को या सिस्टम को जहाँ पे हम पहुंचने चाहिए थे, तो क्या ये भी एक कारण है कि लोग अब विमुख हो रहे हैं हिंदी मीडियम स्कूल से और मीडियम स्कूल से भाग रहे हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर मेरी बात पहुंच रही है? राकेश जी सर। जी सर बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। विमुख मैंने बताया ना, मार्केट ने हमारे माइंडसेट को जब ऐसा बना दिया है कि अगर आपका बच्चा इंग्लिश नहीं जानता, आप इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं तो यू आर नॉट गुड पापा, है ना, आप अच्छे नहीं हैं, आप अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे रहे हैं। जब हमारी मेंटेलिटी ये बन गई है और समाज पूरी तरह से इस माइंडसेट को अडॉप्ट कर चुका है कि बच्चा इंग्लिश बोलता हो, बच्चा उस तरफ जाता हो, और खाली समाज का माइंडसेट ऐसे नहीं बनता, क्यों बना, सारे काम व्यवहार पूरे जॉब कंप्यूटर दुनिया में आ गया है, बिना इंग्लिश के हम कैसे कर पाएंगे? तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। और मैं ये कह रहा हूं जो मल्टी लैंग्वेज वाला अप्रोच नई शिक्षा नीति में रखा है वो ये जो 21वीं सदी है या जो मौजूदा दौर है, वीडियो के अंदर आ रही है, 21वीं सदी को अगर नटसेल में कहा जाए तो ये कनेक्टिविटी की सदी है, ये कनेक्टिविटी का दौर है। आप कितना कैसे जुड़ पाते हैं, आप कितने अपने कम्युनिकेशन स्किल को शार्प बना पाते हैं, आप कितने अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कितने बढ़िया ढंग से अपनी बात रख पाते हैं, है ना। एक बच्चा जो एवरेज है आपके मेरे विद्यालय में भी, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ लेता है तो मैं और आप ही उसके प्रति बायस हैं, है ना, वो अच्छा वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, है ना, भले ही वाला उससे ज्यादा क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, लेकिन उसके पास अपनी बात दुनिया को बताने का पहुंचाने का मॉडर्न स्किल सिस्टम नहीं है, मॉडर्न लैंग्वेज नहीं है, या वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं जानता, या वो कंप्यूटर नहीं जानता, या वो फोन चलाना नहीं जानता। तो आपको नए तरीके सीखने ही पड़ेंगे, नई दुनिया के हिसाब से चलना ही पड़ेगा ना। और समाज पर दबाव बना बना के हमारे माइंडसेट बना देता है। जैसे एक सामान्य सरकारी कर्मचारी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा है अपना लाइफ स्टाइल, है ना, वो मोटरसाइकिल नहीं मेंटेन कर पा रहा, या थोड़ा ठीक है तो वो कार नहीं मेंटेन कर पा रहा, अगर वो सादगी में जिए भी ना तो उसे समाज या रिश्तेदार क्या कहते हैं, अरे तुमने क्या किया है, तुम यार ऐसे ही रहते हो, तुम तो सरकारी आदमी हो, सरकारी नौकर हो, सरकारी है ना, या तुम यार तुम अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ा रहे हो, है? मतलब एक जो सामाजिक दबाव है, जो सोशल प्रेशर है, वो हमारे माइंडसेट को बनाता है। तो ये सारी चीजें हैं, और बाजार ने हम सबके दिल दिमाग में चुपके से ऐसे घुसपैठ कर ली है कि हमें हर चीज में अट्रैक्शन चाहिए, हर चीज में आकर्षण चाहिए, हर चीज में सौंदर्य बहुत चाहिए, है ना, हमने हमें अपने बच्चे भी मॉडर्न देखने हैं, है ना, उनमें इस तरह की स्टाइलिश हो, वो हो, तो ये सब बाजार के दबाव हैं। जैसे अभी 2-3 साल पहले की घटना बताता हूं मैं आपको, हमारे घर में एक फंक्शन था,
एक मतलब शादी ब्याह का फंक्शन था, तो हमारे घर में एक बूढ़ा बैल था। तो हमारे चाचा बोलते हैं हमारे बाबा से कि सब आएंगे मेहमान आएंगे, यहाँ ये लगेगा वो लगेगा, इस बैल को बेच दे क्या, या इसे फलाने के घेर में बांध आए क्या फंक्शन। कहना क्यों भाई, कि बूढ़ा बैल है खराब लगेगा, यहाँ बंधा हुआ देखा हुआ। तो बाबा जी बोले कि मैं भी तो बूढ़ा हूँ, मुझे भी कहीं किसी के यहाँ बांधाओ, मुझे भी कहीं किसी के, आपके गेस्ट आएंगे मेहमान आएंगे। तो एक नए ढंग का जो सौंदर्य बोध नई पीढ़ी नए जमाने ने सारी चीजें उसे एकदम व्यवस्थित एक जैसी चाहिए, एक जैसा माइंड सेट चाहिए। तो ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं एक किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं अपनी चीजों पर असली है उस पर गौर करना भूल रहे हैं, है ना। अगर मैं ऐसा हूं और मैं ऐसे रह सकता हूं तो मुझे अपने पर गर्व करना चाहिए या सोचना चाहिए, लेकिन मैं इससे अलग अपना लुक लेने की अपना लुक देने की भरकर कोशिश में हूं। ये सब बाजारी दबाव हैं, सारा दिन हम विज्ञापन के तनाव में दबाव में जीते हैं रहते हैं, उसका कारण ये सब माइंडसेट बनता है। जी सर, धन्यवाद सर। और कोई साथी के सवाल हो तो वो सवाल रखें, या इन्होंने जो अपने विचार रखे उस विचार में कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। उसके लिए आप अपने माइक को अनम्यूट करके। विद्वान साथी हैं कुछ जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूं, कुछ इसमें ऐड करें, कुछ और चीजें जोड़ें इसमें। आज के विषय पर और हम क्या कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इस चीज को। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि अब साथियों को बोर ना करो, बहुत देर हो गई। तो ठीक है सर, अगर किसी के कोई विचार नहीं है तो मेल भी कर सकते हैं आपको। हाँ, मेल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं कुछ लिखकर। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी समय पर आए और पूरे समय इस चर्चा में रहे, क्योंकि आपके रहने से ही जो मुख्य वक्ता थे राकेश जी उनका भी मनोबल बढ़ा, उत्साह बढ़ा, और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपने विचार रखे। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम मालपुरा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन मालपुरा की ओर से, और ब्लॉक सीबीओ कार्यालय ब्लॉक शिक्षा विभाग की ओर से, और श्रीमान हमारे ब्लॉक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय रमाशंकर स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके सहयोग से ही हम ये इस सेमिनार का आयोजन कर पाए हैं। उन्होंने भी हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इसके लिए सहमति दी। आज किन्हीं कारणों से वह हमारे साथ वक्ता जुड़ नहीं पाए हो टॉक मीटिंग में जाने की वजह से, तो ब्लॉक शिक्षा विभाग कार्यालय के तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद, और तमाम पीओ साहिबान को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और राकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वह भी अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हमारे साथ आने के लिए समय निकाला और बड़ी तैयारी के साथ हमारे साथ आए, विचार रखे। और मुझे लगता है कि इन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी उससे हमको जरूर शिक्षा के इतिहास को लेकर सबको शिक्षा मिले, शिक्षा का सार्वभौमिकरण वैश्वीकरण, इन सब चीज़ों को इन्होंने जिस तरह से जोड़ा उससे हमें जरूर नया सीखने को मिला है।
और उस तरह की भावनाएं भी बढ़ी है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हर बच्चे को शिक्षा मिले उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह के प्रयास हालांकि अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ये ऐसी चीज है कि हमें हमेशा इस पर संवाद होने की जरूरत है। तो वो संवाद हमने किया, आगे भी हम इस तरह के संवाद करते रहेंगे और उसमें आप सबको बुलाते रहेंगे, आप सबको शामिल करने का प्रयास करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा तो यही कहना था, अगर राकेश जी कुछ कहना चाहें या कैलाश जी, देवेंद्र जी भी कुछ अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। हाँ, मैं तो सर यही आग्रह कर रहा था आपसे कि आप ऐसा नहीं सोचे कि एक से अधिक बार आपको सुनते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, हर बार जब भी आप सुनते हैं तो नया ही सीखने को मिलता है, हर बार आनंद आता है, तो आप दिमाग में ऐसा नहीं लाए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर बहुत बहुत। देवेंद्र जी आप कुछ रख रहे हैं अपनी बात? मैं तो बस राकेश जी से ये हो रहे हैं कि कब हम मालपुरा में मिल पाए उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल महामारी के दौर में ये देवेंद्र है ना, ये देवेंद्र जी का आदेश है, तो जल्दी जैसे ही नॉर्मल होंगी चीजें मालपुरा आऊंगा और सब साथियों से फेस टू फेस मुलाकात होगी, साथ में खूब बात होगी। आपको सुनना तो हमेशा ही कुछ नया, एक नई ताकत, नई एनर्जी देता है। अरे आप सब मेरे से बड़े हैं, अनुभवी हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के सानिध्य में आके बातचीत करना, इस बहाने से मैं भी बात करता हूँ। आपको ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सीखा, आज कुछ मैंने लिखा भी है थॉट। जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैं हाँ बोलिए नीरू मैडम, प्लीज प्लीज। शिक्षा का मैं इस तरह से 2020 में महामारी फैली हमारे यहाँ, और उस महामारी में कोरोना काल में जो शिक्षा का असंतुष्टजनक प्रमाण रहा, कुछ बच्चों पर गरीबी रेखा में देखा गया कि मोबाइल उपलब्ध नहीं थे, किसी के पास नेट अवेलेबल नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र में उनके पास सुविधाएं नहीं थी, और हमारी सरकार ने 48 डेज आफ्टर साइट स्कूल ओपन कर दिए थे, कॉलेज भी कर दिए थे, और उस समय हमारे कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित थे। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने उनको कॉलेज में बुलाया, कलेक्टर से आदेश लिए और बुलाकर 10-10 20-20 बच्चों को भी साक्षात्कार रूप से पढ़ाया। तो सभी बच्चों का ये कहना था कि जो हम आपके साथ बैठकर पढ़ते हैं उसमें मैडम ज्यादा अच्छा लगता है, मोबाइल से हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जो ये शिक्षा प्रणाली सरकार ने रखी, उस शिक्षा प्रणाली से ग्रामीण परिवेश तो असंतुष्ट ही रहा, और आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आईफोन उपलब्ध कर सके या लैपटॉप उपलब्ध कर सके या इस तरह के साधन उनके पास नहीं थे, तो वो इन सब चीजों से वंचित ही रहे। धन्यवाद। ये अलग से है, इसका बिल पैसा अलग से ले जाऊं। आपने बहुत अच्छी चीजें इसमें जोड़ी। अब जो आपने पूरा कोरोना महामारी के दौरान एजुकेशन सिनेरियो उभरा, किस तरह से गांव के गरीब लोग और ऐसे बच्चे थे जो सिस्टम को उतनी तेजी से अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसके साथ उतने अच्छे से एसोसिएट नहीं हो पाए, और बच्चे ही नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे हमारे टीचर साथी भी जो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है ज़्यादा, इस पूरे सिस्टम में उतनी सुगमता से अपने आप को फिट नहीं कर पाए। जी सर।
ये बात आपका ये बड़ा संकट स्थिति भी इससे जोड़ी गई है कि आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब रही है। Yes. महामारी के समय बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई, बेरोजगारी फैली, इससे लोगों में अपराध की स्थिति भी पैदा हुई। बिल्कुल बिल्कुल, क्राइम बहुत बड़ा है इन स्थितियों को देखते हुए, बेरोजगारी बहुत बड़ी है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर हम सबको एक विचार करना चाहिए और विचार के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे तथ्य एकत्रित किए जाएं कि हम इस समय को एक सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति के साथ सामाजिक स्तर पर ला सकें। क्योंकि जो नॉर्मल जो गरीबी रेखा है वो बच्चे इन सब सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कर पा रहे। आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज आना पसंद करते हैं और तीसरी लहर का आना संभव है, उन स्थितियों को देखते हुए बच्चे बहुत परेशान हैं। तो इस कंडीशन में ये सोच रही हूँ कि आप ऐसा सुझाव दें कि हम बच्चों को शिक्षा कैसे पहुँचाएं। राकेश सर जी 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 बिल्कुल, ऐसी स्थितियों में एक अलग से एक पूरी वार्ता हम लोग रखनी चाहिए जो आपने सजेस्ट किया है कि हमें ऑनलाइन टीचिंग को कैसे सुगम बनाना है। लेकिन एक फौरी तौर पर जो एक कुछ चीज़ें समझ आती हैं, इसमें भी हमें समाज की भूमिका को सकारात्मक रूप में देखना होगा। क्योंकि एक तो सरकारी जो शैली है वो थोड़ा स्लो है और सरकारें भी अभी दबाव में हैं, अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया की कमजोर हुई हैं, तो उन्हें संभलने में प्लानिंग में समय लगेगा। ऐसे में गांव स्तर पर क्या कर, क्योंकि गांव में गरीब बच्चों की और थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली जो नहीं है, ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की, ऐसे शिक्षकों की ये समस्या ज्यादा है। तो ऐसे में जो गांव पंचायतें हैं उन्हें थोड़ा अपने आप को मॉडर्न करना होगा, अपने आप को थोड़ा लाना होगा। अभी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कुछ बहुत सारे साथी जो मेरे ग्राम प्रधान भी हैं कि तुम नए हो, युवा हो, कच्चे ग्राम प्रधान के रूप में नया क्या सोचते हो, नया क्या कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि कम इतना तो कर दो कि अपने गांव को पूरा वाईफाई सिस्टम पंचायत की तरफ से दे, पूरे गांव का डेटा बचेगा, पूरे गांव के गरीब सब गुरबाव बच्चों को अपने आप नेट एक्सेस मिलेगा, वो पढ़ लिख सकते हैं या वो कुछ भी कर सकते हैं, उस तक जा सकते हैं। और पंचायत भवनों में आप सस्ते टीवी बड़े स्क्रीन लगा सकते हैं, जैसे अभी ओम प्रकाश जी ने अपने विद्यालय में सब साथियों को बैठा के इस वेबिनार विचार विमर्श का हिस्सा बना रखा है, 10-20 साथी एक ही जगह देख रहे हैं। तो एक गांव, एक ढाणी में, एक मोहल्ले में 10-20 छात्र एक जगह बैठकर एक पूरी टीवी स्क्रीन, बड़ी सस्ती स्क्रीनें बननी चाहिए। टेक्नोक्रेट्स को सस्ते माध्यमों की तरफ सोचना चाहिए, इस तरह के सस्ते स्क्रीन बना दें जो नेट की सहायता से बच्चों को सिंपल क्लास लेने में मददगार हों। वो फोन से ज्यादा बेहतर होंगे, उनकी हेल्थ भी खराब नहीं होंगी, आंखें भी नहीं दुखेंगी और वो एक तरीके से लाइव क्लास जैसा फील करेंगे। तो थोड़ा हमें इस तरह के टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए, इस तरह के इनोवेशन की तरफ आना चाहिए, ग्राम पंचायतों को अपनी व्यापक भूमिका में आना चाहिए और हमें अपने कोर्स कंटेंट भी अब बदल लेने चाहिए। आप मोबाइल फोन पे या ऑनलाइन टीचिंग में इमला बोलकर नहीं पढ़ा सकते हैं, आप उन्हें कोई फिल्म दिखाएं, आप उन्हें कोई नाटक दिखाएं, उसका रिव्यू लिखवाएं, उसका क्या मैसेज है, उसका क्या एजुकेशन है, ये उन्हें बताएं, उनसे पूछें, डिस्कस करें, इंटरेक्ट करें। और दुनिया के जो अनुभव है, दुनिया में जो स्टडीज हुई हैं ऑनलाइन मेथड को लेकर, उसमें ये पता चलता है कि 4 से 5 साल का टाइम लगता है लोगों को इस ऑनलाइन सिस्टम के साथ सहज होने में। तो 4 से 5 साल तो लगे ही लगेंगे हमें इसकी आदत पड़ने में, इसके प्रति सहज होने में, इसे समझने में कि आसानी से हमारी हो जाए, हमारी चीजें बारीक ढंग से सारी चीजों को नोट कर लें, देख लें, फिर इनसे जुड़े एथिक्स क्या हैं, हम
अपना माइक बंद करके सुने, अपना वीडियो कब खोलना है, ये मैनर्स हमें अपने बच्चों को और हमें आना चाहिए, हमें क्या चीज ऑनलाइन रिकॉर्ड करनी है नहीं करनी है, ये सारे अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। मेरा कहने का मतलब ये है, इन सारी चीजों पर हमें और व्यवस्थित ढंग से धैर्य के साथ पेशेंस करके स्नेह प्लान करना है, काम करना है, आगे बढ़ना है और ऑनलाइन टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, कैसे वो बच्चों में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर्ड हो सके। ओके सर, थैंक। हाँ सर, प्रहलाद साई जी सर, पीओ मोरला भी अगर अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर उनका नाम आ रहा था। कन्हैया जी का भी हैंड रेज हो रहा है, अमरीश गौतम जी का। कन्हैया लाल जी तो जब से कनेक्ट हुए तब से एड्रेस हो रखा है, वो एड्रेस करके याद भूल गए। और अमरीश जी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ प्रहलाद जी सर, आप म्यूट पर है, अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो अनम्यूट होके अपनी बात रखें। माइक खोल लीजिए प्रहलाद सर। चलो तो सर, अभी बहुत सारे साथी उसका बात रखना चाहें लेकिन इस टेक्नोलॉजी के प्रति इतने सहज नहीं है, तो वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और काफी समय भी होने को आया, 2 घंटे होने को आए, 12 बजने वाले हैं जी, तो जी। आगे फिर मिलते रहेंगे और अगली बार जो साथी आज चार नहीं रख पाए अगली बार रखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और इसी प्यार और स्नेह के साथ आगे भी हम चर्चाओं में जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। और मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ, आप भी राकेश जी सर, आपको भी एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। धन्यवाद सर।